बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 7, बायोलॉजी प्री 9, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एज यू नो, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द टू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, एंड सेकेंड वन वॉज मोलिकुलर लेवल। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में हमने ये देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किसका मिलकर बने हैं, एलिमेंट्स से मिलकर बने, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि वो एलिमेंट्स स्पेसिफिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 10 जो है वो उनका माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन है और 6 का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है बायो एलिमेंट्स का। नेक्स्ट हमने फिर देखा कि जो बायो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं, क्योंकि बायो एलिमेंट्स अपनी फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर बायो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज वेट, उनका जो वेट है वो ज्यादा होता है, और इसके अलावा जो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो लो होता है। फिर आज का जो हमने पढ़ना है, जो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। अब जो डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो असेंबल होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनेल बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स बेसिकली क्या है? दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मींस ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर असेंबल टूगेदर, और जब ये अपने फंक्शंस इनको दिए जाते हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जब इनको असेंबल किया जाता है तो उससे क्या चीज एग्जिस्टेंस में आती है, यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ लाइफ? इट इज सेल। तो हमें पता चला कि बायो मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं और ऑर्गेनल्स मिलकर सेल बनाते हैं। अब हर ऑर्गेनल है जो इट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फंक्शन, हर एक ऑर्गेनल को एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक काम असाइन किया गया है जो उसने सेल के अंदर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस का काम है कि वो सेंटर के तौर पर काम करता है सेल का, और सेल के जितने भी फंक्शन वगैरह होने होते हैं उन सब के बारे में मैसेजेस देता है सेल को। फिर इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि इसने सेल के लिए एनर्जी जनरेट करनी है, सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होने हैं उनकी जितनी भी एनर्जी चाहिए वो किसने करनी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोवाइड करनी है एनर्जी। फिर इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, वो सारे अपने स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। तो सेल के अंदर है डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल, मतलब सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनको उनका उनका काम असाइन कर दिया गया है, उनके अंदर काम डिवाइड कर दिया गया है कि एक ने एनर्जी जनरेट करनी है, एक ने क्या करना है कि मैसेजेस प्रोवाइड करने हैं सेल को, एक ने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, कुछ ने जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करना है, एनगल्फ करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है सेल के अंदर, हर एक चीज, हर एक ऑर्गेनल को एक स्पेसिफिक काम असाइन कर दिया गया है, और जब वो काम जो है वो असेंबल हो जाते हैं, डिफरेंट काम स्पेसिफिकली उनको असेंबल किया जाता है, तो हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ बनता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल सेल पर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी बॉडी ही सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब उनको कोई और सेल या नंबर ऑफ सेल जो उनके अंदर नहीं होते, सिर्फ सिंगल सेल उनकी बॉडी बनाती है। इसमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और कुछ प्रोटिस्ट आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया की एग्जांपल है इसके अंदर। एंड द प्रोटिस्ट वगैरह जो है, दे आर फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये भी क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर एलजी आ जाता है, फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं, उनकी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, जिसमें हमारे पास फंजाई आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और प्लांट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब जो डिफरेंट सेल्स हैं वो मिलकर क्या करेंगे, डिफरेंट सेल्स वो टिश्यू लेवल बनाएंगे। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करता है। टिश्यू लेवल में बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं, एक से ज्यादा सेल हैं, वो सिमिलर सेल्स जिनका फंक्शन सिमिलर है वो आपस में ग्रुप बनाते हैं और उनका एक और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यू।
ठीक है. सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ये कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप के अंदर असेंबल कर दिए जाते हैं. अब टिश्यू लेवल के अंदर सेल्स के दो काम होते हैं. एक तो सेल ने अपना जो सेल लेवल पे उसने जो काम करना है, एक तो वो उसको काम है जो उसने अपना जो लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो काम करना है, और दूसरा जब वो टिश्यू लेवल का पार्ट बना है, हिस्सा बना है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने जो अपना काम करना है वो उसका दूसरा काम होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ईच सेल कैरीज इट्स ऑन लाइफ प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. ये वो काम है जो जितने भी सेल हैं ऑर्गेनिजम्स में उन सब ने ये काम हर हाल में ही करना है अपने सर्वाइवल के लिए. सेलुलर रेस्पिरेशन भी करनी है और प्रोटीन सिंथेसिस भी करनी है. हर सेल अपने सेलुलर रेस्पिरेशन खुद करेगा और अपने प्रोटीन के सिंथेसिस भी खुद ही करेगा. अब वो स्पेशल प्रोसेस जो उसको टिश्यू के अकॉर्डिंग जो असाइन किया गया है टिश्यू लेवल के अकॉर्डिंग, वो उसका क्या हो जाएगा? उसका स्पेशल प्रोसेस हो जाएगा जो उसको इन एडिशन टू दीज प्रोसेसेस परफॉर्म करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू जो है वो प्लांट की आउटरमोस्ट जो सर्फेस है वो बनाते हैं. इनका एक तो काम ये है कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करेंगे ये सेल्स जो हैं जो, और प्रोटीन सिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे. इसके अलावा एपिडर्मल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो साथ साथ क्या करेंगे, जो प्लांट है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे और उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे. ये इनका एडिशनल फंक्शन हो गया टिश्यू लेवल के रिलेटेड. फिर नेक्स्ट एनिमल टिश्यू की अगर हम एग्जाम्पल लें, उसमें वापस नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. नर्वस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करेंगे, वो प्रोटीन सिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे टू अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए. साथ ही साथ टिश्यू लेवल के अकॉर्डिंग अपना क्या काम परफॉर्म करेंगे कि वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन भी करवाएंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम को के मैसेजेस लेके जाने के लिए. फिर मस्कुलर टिश्यू आ गए. मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी सेल्स कर रहे थे, और प्रोटीन सिंथेसिस भी करेंगे, और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, टिश्यू लेवल के अकॉर्डिंग उनको जो काम असाइन किया गया है दैट इज मूवमेंट. मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट करवाना बॉडी के अंदर, तो वो काम भी अपना कंप्लीट करेंगे. ये उनका स्पेशल टास्क है रिलेटेड टू टिश्यू लेवल. तो आज हमने ऑर्गेनल एंड सेल लेवल पढ़ा, और इसके अलावा हमने आज टिश्यू लेवल पढ़ा. हमने देखा कि जो ऑर्गेनल है वो सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो मिलकर एक सेल बनाते हैं. फिर हमने देखा कि सेल्स के अंदर किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर ऑर्गेनल को अपना काम असाइन किया गया होता है. फिर हमने देखा कि जो सिमिलर सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको एक कॉमन फंक्शन दिया जाए, उनको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू लेवल कह देते हैं. और टिश्यू लेवल हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. और फिर हमने देखा कि टिश्यू लेवल के ऊपर सेल्स ने दो काम परफॉर्म करने हैं, एक तो अपने सर्वाइवल के लिए हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और दूसरा जो काम है वो परफॉर्म करेगा जो उसको टिश्यू लेवल के अकॉर्डिंग असाइन किया गया है. सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.